हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही जुगाड़ू के साथ एक क्लच। आप सोचेंगे जुगाड़ू क्या है, तो जुगाड़ू फ्रेंड्स ये है कि अगर आप पहली बार इस टाइप का क्लच बना रहे हैं तो देखिए इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हो सकती है। एक तो ज़िप लगाने में, पाइपिंग लगाने में, पॉकेट्स लगाने में, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा शॉर्टकट्स आपको दिखाए हैं, इतने ज़्यादा शॉर्टकट्स आपको सिखाए हैं कि इसे देखने के बाद आप अगर बिगिनर हो या ना हो, या आपको इसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन देखने के बाद ज़रूर से आपको इंटरेस्ट होगा कि मैं भी ये बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमने बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ कटिंग्स आपको करके रखने हैं, जो कि मैं आपको नाप के साथ में बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग्स मैंने तैयार रखे हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। सबसे मेन है हमारा मेन फैब्रिक जिसमें हमने क्विल्टिंग की है। यहाँ पे मैंने फॉर्म शीट के साथ क्विल्टिंग की है और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है और लंबाई 12.5 है। तो आप 12 तक भी रख सकते हैं और चौड़ाई आप 8 इंच तक भी रख सकते हैं। तो एक हमारा क्विल्टेड पीस हो गया। इसके बाद हमें और एक पीस लेना है जो कि सिंपल हमारा कपड़ा है। इसकी चौड़ाई भी मैंने 12.5 रखी है, लंबाई और चौड़ाई 9.5 रखी है। जो एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में कट कर लेंगे। जितनी इसकी चौड़ाई है उतना ही हमें एक ज़िप लेनी है और एक रनर लगेगा। तो ये पॉकेट बनने वाला है, इसलिए यहाँ पे हमने कपड़ा इतना लंबा लिया है। इसके अलावा और एक पीस मैंने लिया है जिसको मैंने सिंपल सिंगल ही पीस लिया है। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई जो रहेगी वो 9 और 6.5 रहेगी। अब यहाँ पे 4 पीस मैंने लिए हैं जो कि 4 इंच बाय 6.5 इंच के हैं। ये 4 पीस मैंने सिंगल पीस लिए हैं, यानी इसके अंदर भी मैंने कोई क्विल्टिंग या लाइनिंग का काम नहीं किया है। तो ये 4 पीस हमें लेने हैं। ये जो हम बना रहे हैं क्लच, ये 6 पॉकेट वाला बनने वाला है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको तैयार करके पहले से रख लेनी है। अब इसमें शुरुआत कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले हमने जो 9 बाय 6.5 का हमने जो पीस लिया था उसको हमें जहाँ पे हमारा 9 इंच की है चौड़ाई, वहाँ से हमें डबल फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आज का, लेकिन आप पूरा डिटेल में देखिएगा। और जो 4 हमने छोटे पीस लिए थे ना, उन सभी को एक साइड से डबल फोल्ड करना है और उसे भी हमें स्टिच कर लेना है। तो पहले ये चीज़ें आपको तैयार करके रख लेनी है कि 4 पीस और एक हमारा बड़ा वाला पीस जो है उसे हमने स्टिच कर लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इन 4 को स्टिच कर लिया और एक बड़े वाले पीस को भी मैंने स्टिच कर लिया है। सिर्फ एक ही साइड हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पे भी इसको कर दिया है। अब ये देखिए इसके ऊपर हमें इन 4 पीस को चिपकाना है, यानी स्टिच करना है। तो स्टिच कैसे करना है, ऊपर से 1.5 इंच हम छोड़ देंगे और फिर हम पॉकेट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ये कार्ड्स वगैरह के लिए है, तो एक तरफ से फोल्ड करेंगे। अब जो बड़ा वाला पीस है ना, जहाँ पे हमने उसे फोल्ड किया है ना, उसी साइड को हमें छोटे पीस को भी फोल्ड करना पड़ेगा। तो सबको एक साइड से फोल्ड कीजिएगा और बाकी तीनों साइड में आपको स्टिच करना है। बाहर की साइड जो कपड़ा जा रहा है उसे अगर आप फोल्ड नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो तो हमारा पाइपिंग में दबेगा। लेकिन अंदर की साइड जो हमने मेन नीचे वाले फैब्रिक को स्टिच किया है ना, उसी की तरफ से हमें ऊपर वाले को भी स्टिच करना है और फोल्ड करके ही स्टिच करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो में दिखाया ना 4 को अच्छे से सेट करके, वैसे ही आपको भी सेट करते जाना है और स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमारे ये 4 कार्ड होल्डर बन गए हैं। यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकले हैं उसे हम कट करके हटा देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 4 हमारे कार्ड होल्डर बन गए, हमारे ये बड़ा वाला एक पॉकेट भी बन गया। तो यहाँ पे 2 पॉकेट्स रेडी हो गए। अब हमें ज़िप वाला एक पॉकेट रेडी करना है। तो इसके लिए जो हमने बड़ा कपड़ा लिया था उस पर ज़िप को उल्टा रखेंगे, स्टिच करेंगे, फिर कपड़े को उसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे और फिर इसको सीधा करके हमें इसके अंदर रनर डालना है। आप सीधा करके प्रेस स्टिच भी कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्रेस स्टिच भी कर लिया था और रनर भी डाल दिया। अब ऊपर से 1/2 इंच हमें इस तरह से रखना है कि ज़िप नीचे आ जाए 1/2 इंच, और फिर इसको हमें ऊपर की तरफ स्टिच कर लेना है। सिर्फ ये मैंने स्टिच इसलिए किया है कि फिनिशिंग भी लगे और हमें याद रहे कि हमें इतना ही इसको रखना है, नहीं तो जब हम इसे मेन फैब्रिक पे चिपकाएंगे स्टिच करेंगे तो आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए मेन जो क्विल्टेड पीस है उसे लेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पर एक मार्किंग कर लेंगे। अब सेंटर की दोनों तरफ से 1/2 इंच लेंगे, यानी टोटल 1 इंच हमें यहाँ पर बीच में गैप रखना है। हम दोनों साइड पॉकेट्स लगाएंगे ना, तो बीच में हमें कुछ गैप चाहिए, तो वो 1 इंच का रहेगा। तो मैंने
पहले सेंटर मार्क किया, फिर दोनों साइड हाफ हाफ इंच लिया और अब इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत ही लाइट आप करना, क्योंकि इसके ऊपर आप चाहे तो स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस पर स्टिच नहीं करना है, मैंने सिर्फ इसकी लाइन ड्रॉ की है। अब जो जिप वाला पॉकेट है उसे एक तरफ रखेंगे, आप कोई भी साइड रख सकते हैं, सीधा उल्टा कुछ नहीं है। अब देखिए जिप वाला पॉकेट थोड़ा सा लंबा होगा तो बाद में हम काटेंगे, क्योंकि ये तो जुगाड़ू है। मैंने पहले ही आपको बताया कि हमें जुगाड़ करके बनाना है। हम कोई जो मैं आज चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो प्रोफेशनली नहीं भी बनाते हैं वो भी इसे बना पाए, इससे मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए हैं। तो बस जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना एक तरफ, वहाँ पे उसके नीचे से हमें पॉकेट को एडजस्ट करने हैं, दोनों साइड में बीच का एक इंच छोड़ देना है। और देखिए यहाँ पे चारों तरफ सिलाई नहीं करनी है, दोनों साइड तीन तीन तरफ ही सिलाई करनी है। तो देखिए ये ओपन रहना चाहिए, क्योंकि ये दो साइड हमारे दो पॉकेट्स हैं और बाकी हमारे चार और दो और एक इस तरफ, यानी छह पॉकेट्स हो गए। अब ये जो एक्स्ट्रा जो जिप वाला पॉकेट नीचे की तरफ निकला है उसे भी हम कट कर देंगे, साइड में भी जितना एक्स्ट्रा निकला है उसे भी सबको हम कट करके हटा देंगे। अब कपड़ा तो हमने पूरा लिया था तो कट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने उसे ऑलरेडी स्टिच कर दिया है। तो देखिए सब तरफ से फिनिशिंग दे देंगे, एक्स्ट्रा जितना भी कचरा है उसे हटा देंगे। अब ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब देखिए मेन इसके अंदर है ना पाइपिंग की ट्रिक, आप देखिएगा पाइपिंग लगाने की एक ट्रिक है। ज़्यादातर लोग इसे गोल घुमा के लगाते हैं, उसी में हम लोग फंस जाते हैं, बराबर से जिप लगती नहीं है, पाइपिंग नहीं लगती है। तो पूरा जुगाड़ देखिएगा कैसे करती हूँ। अब देखिए कोई भी साइज़ की लंबी जिप ले लीजिए, आपको पहले से जिप नापने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे इसको सॉरी उल्टा नहीं सीधा रखना है। सीधा रख के जिप को पहले वहाँ पे सुई को डाल दीजिएगा अंदर। यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमने जो सेंटर मार्किंग किया था ना, तो जिप को हमें कोई भी साइज़ की जिप को लेना है, जिप को सीधा रखिएगा, ध्यान से देखिए जिप सीधी है और यहाँ पे सेंटर का मार्क है, जिप को बराबर उसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पे नीडल डाल देंगे, सुई हमारी मशीन की इसके अंदर रख देंगे और थोड़ा सा स्टिच करके घुमा लेंगे पूरी हमारी जिप को, और घुमाते जाएंगे यहाँ पे कट्स लगाएंगे, दो से तीन कट्स लगाएंगे जहाँ पे हमें जिप को टर्न करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगी, फिर वापस सीधा स्टिच करेंगे और वापस जहाँ पे कोना बन रहा है वहाँ पे कट्स लगाएंगे और जिप को हम लोग वहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने एक इंच छोड़ा है ना, बस वहीं तक पॉकेट है ना, पॉकेट तक ही हमें इसको रखना है। थोड़ा सा एक डेढ़ इंच दो इंच आप एक्स्ट्रा रख के कट कर दीजिएगा। एक बार आपने कट कर दिया तो एक साइड का हमारा फिक्स हो गया, बस उसी हिस्से को निकाल के दूसरी साइड लगा दीजिएगा, फिर आपको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एक साइड मैंने लगा दिया है, ये देखिए कट्स भी लगाए हैं। ये सारा कुछ दिखाने में ही आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं चाहती तो पूरा ऐसे ही जाने देती, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं आज डिटेल में आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ऐसा ज़्यादा कोई दिखाता नहीं है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। अब देखिए दो इंच छोड़ के मैंने इस जिप को कट कर दिया। अब ये जो जिप बची है वो तो हमारे काम की है, किसी और पर्स में काम आएगी। अब ये जिप बराबर हो गई, अब इसका एक हिस्सा हम हटा देंगे और इसको दूसरी साइड लगाएंगे। तो हमने वहाँ पे सिलाई की थी ना सामने की साइड, तो वो जिप वहीं पे रहेगी, वहीं से इसको पलटी करते जाना है और सीधी ही जिप को यहाँ पे लगाना है। ध्यान रखिएगा इसके अंदर जिप हमारी सीधी लगेगी, नॉर्मली पर्सों में उल्टी लगती है फिर हम उसके सीधा करते हैं, इसमें सीधी ही लगेगी। अब यहाँ पे देखिए इसको भी यहाँ तक ही जोड़ना है, देखिए मैंने कट्स लगा दिए हैं ताकि हमें याद रहे और इसे फोल्ड कर पाए हम, तो कट्स ज़रूर से लगाइएगा ताकि पाइपिंग करते टाइम आपकी जिप बीच में ना आए। तो अब यहाँ पे दोनों साइड जिप के दोनों हिस्सों को मैंने बराबर अटैच कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक लूप तैयार किया है, सेम कपड़े से तीन इंच चौड़ाई पट्टी काटी थी, दोनों साइड से फोल्ड किया, फिर बुक फोल्ड करके स्टिच कर लिया। 13.5 इंच इसकी लंबाई है और देखिए इस तरह से एक ही साइड मैंने सिलाई की है। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और हमें इसको लगाना है बाहर की साइड, तो कहाँ लगाना है वो भी समझ लीजिए। देखिए रनर जिस तरफ जा रहा है ना बंद होने के लिए, हमें उसी साइड लगाना है। तो रनर हमारा सामने की साइड जा रहा है तो हम इसको उसी साइड लगाएंगे, क्योंकि अंदर का पॉकेट जो है उसका रनर भी एक तरफ जाना चाहिए और बाहर की जिप का भी रनर एक ही साइड जाना चाहिए, दोनों रनर एक ही तरफ आने चाहिए एक ही दिशा में। तो उसी साइड आपको ये हैंडल लगाना है। हैंडल को स्टिच कर लिया मैंने बराबर से, अब इसके लिए हम पाइपिंग तैयार करेंगे। तो सीधे सिंपल पाइपिंग दिखाऊंगी, बिना कोई झंझट, क्रॉस पट्टी नहीं काटनी, कुछ नहीं। देखिए दो दो इंच की मैंने पट्टियाँ काटी है, दो इंच चौड़ाई में है, लंबाई में तो आप अपने पर्स के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब देखिए सीधी पट्टी काटी है, इसको उल्टा रखेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा
इसको हम फोल्ड वगैरह कुछ नहीं करना है, बस इसको हम सिलेंगे, सिल देना है इसको। यहाँ पे जो जिप हमने एक्स्ट्रा रखी है ना, उसमें रनर वगैरह कुछ नहीं डाला है, अभी नहीं डालना है, बाद में हम डालेंगे। तो पहले दोनों साइड हम इसको पाइपिंग को लगा देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने पाइपिंग को लगा दिया अच्छे से, बस जिप को संभालना है, जिप नहीं आनी चाहिए बीच में, वो आएगी भी नहीं, बस आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे कट्स लगाए थे ना, तो आराम से इसको हम फोल्ड करके हमने बाहर से ही पाइपिंग को निकाल लिया, तो अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ गई एक पाइपिंग की दोनों साइड में। और जो एक्स्ट्रा हमारा है उसे हम कट करके अब हटा देंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो सच में आप आज मेरी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे। इतना प्यारा मैंने इसके अंदर शॉर्टकट्स बताए हैं, इतना प्यारा मैंने ये क्लच बनाया है, तो ज़रूर से तारीफ़ में दो शब्द तो ज़रूर लिख के जाइएगा। अब देखिए दूसरी दो पट्टियाँ भी दो दो इंच की ली हैं। अब इसे कैसे लगाना है, देखिए हमने वहाँ पे तो डायरेक्ट कट किया था ना, तो अब उसको कवर करने के लिए इसे हम फोल्ड करेंगे, ऊपर से थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करेंगे, और दूसरी साइड भी थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा बड़ा जो है उसे कट करेंगे और एक आध इंच जितना हम रख के फोल्ड कर देंगे, ताकि हम जब इसे पलटी करके पाइपिंग करें तो फिनिशिंग आ जाए। तो सेम जैसे साइड की पाइपिंग की, वैसे ही इसकी भी पाइपिंग कर लेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड में। तो देखिए यहाँ पे पाइपिंग हो गई, कहीं से भी पाइपिंग ना तो खींची है, ना ही टेढ़ी मेढ़ी हुई है, ना ही कपड़ा खींचा है। देखिए फिनिशिंग और कॉर्नर्स कितने अच्छे हैं, हमारी जिप भी देखिए अंदर कितनी परफेक्ट मुड़ गई है, कहीं से भी जिप हमारी अंदर दबी नहीं है। मैंने जो ट्रिक दिखाई है वो ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो परफेक्ट आपका क्लच बनेगा। अब एक रनर लेना है और जिप को देखिए आराम से ऐसे पकड़ना है। अब यहाँ पे जिप है ना, छोटी बड़ी होती ही है, सभी की होती है, तो आपको कैसे पता करना है कि छोटी बड़ी होगी या नहीं। तो देखिए पहले हम इस तरह से जिप को बराबर रखेंगे और हम चेक करेंगे। तो देखिए ये कोने मिलने चाहिए, ये हमारे जो कॉर्नर्स हैं ना वो कॉर्नर्स मिलने चाहिए। कॉर्नर्स पे आप चाहें तो पिनअप कर लीजिए। देखिए थोड़ी सी मेरी जिप छोटी बड़ी हुई है, जबकि हमने दोनों साथ में ही कट की थी, फिर भी हो जाती है। तो ऐसा हो तो हम इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब ये जिप परफेक्ट है और आपके कोने भी आगे पीछे नहीं होंगे। ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि कोने आगे पीछे होते हैं, फिर जो क्लच का लुक है वो परफेक्ट नहीं आता है। तो ऐसे में आपको जिप को बराबर चेक करना है। अब रनर डाल देंगे, देखिए बहुत ही आसानी से रनर चला भी जाता है और आराम से ये क्लच हमारा बंद भी हो गया। देखिए परफेक्ट एकदम हो गया। अब इसको हमें लॉक करना है, तो जिप को लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पे जो हमने दो दो इंच की पट्टियाँ काटी थी ना, उसी में से एक टुकड़ा बचा था दो इंच का, और यहाँ से तीन इंच का है, तो इस टुकड़े को हमें उल्टा रखना है जिप के ऊपर इस तरह से, और फोल्ड करके इसको हमें स्टिच करना है। यहाँ पे हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे स्टिच किया। अब इसको बाहर की तरफ सीधा करके खींच लेंगे और इसको बराबर करते हुए इसको एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसा करने से हमारी जिप यहाँ पे लॉक हो गई, अब रनर बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसे भी कर लिया। अब देखिए आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन ये क्लच है, हम जिप को इस तरह से बाहर नहीं रख सकते, तो इसे फिर से हम खोलेंगे, जिप को पूरा बाहर तक लेके जाएंगे, रनर को बाहर निकाल देंगे और जिप को देखिए ऐसे उल्टा कर देना है और अंदर डाल देना है। अब इसको सीधा करके देखिए, रनर सिर्फ रनर को ही पलट के बाहर लाइएगा, जिप को बाहर नहीं लाना, जिप अब अंदर ही रहेगी। और इसको पलट के हमने रनर को बाहर निकाला और सीधा ये रनर आराम से आपका सरकते हुए क्लच को बंद कर देगा। तो देखिए आराम से, और जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह है उसे कट कर दीजिएगा। तो देखिए तैयार है हमारा 6 पॉकेट वाला बहुत ही प्यारा सा फटाफट से बनने वाला क्लच। आई होप आज का ये जुगाड़ आपको समझ में आया होगा और जुगाड़ आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए सारे पॉकेट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, अंदर की जिप वाला पॉकेट भी परफेक्ट है हमारा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।